आप देख रहे हैं ईटीवी भारत, यह है न्यूज टाइम। लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश कांग्रेस में बड़ी टूट की आशंका। कमलनाथ और नकुलनाथ के बीजेपी ज्वाइन करने को लेकर अटकलें तेज। कई विधायक भी थाम सकते हैं दामन। नकुलनाथ ने कांग्रेस को अलविदा कहने का दे दिया संकेत। एक्स और फेसबुक पर किया बड़ा अपडेट। भाजपा को लेकर अपने बयानों को भी किया सॉफ्ट। नगर सीमा से 1.5 किलोमीटर दूर तक नहीं होगी शराब और मांस की दुकानें। नर्मदापुरम में सीएम मोहन यादव की बड़ी घोषणा की मां नर्मदा की पूजा अर्चना। पुलवामा हमले में शहीद के परिवार से किए वादे पूरे नहीं करने को लेकर एमपी हाई कोर्ट ने दिखाई सख्ती। सरकार से पूछा 5 साल बाद भी क्यों नहीं ली सुध। मुख्य सचिव को नोटिस। इंदौर में फर्जी एडवाइजरी कंपनी ने ठगे 20 करोड़। रकम दोगुनी करने के नाम पर लोगों को फंसाया। संचालकों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। भोपाल में छेड़छाड़ और धमकी से तंग आकर फिजियोथेरेपिस्ट सीएम हाउस के पास टावर पर चढ़ी। शिकायत के बावजूद पुलिस ने नहीं की थी कार्रवाई। आश्वासन मिलने पर टावर से उतरी। उज्जैन में शरारती तत्वों ने शिवलिंग और बजरंग बली की मूर्ति को किया खंडित। क्षेत्र के लोग आक्रोशित। सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। रानी अवंतीबाई के नाम पर होगी सागर की स्टेट यूनिवर्सिटी। 2 जिलों के 72 कॉलेज होंगे संबद्ध। कुल सचिव की नियुक्ति के बाद एडमिशन की तैयारियां शुरू। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने जबलपुर के डुमना नेचर पार्क की तुलना न्यूयॉर्क के जंगलों से की। सिटी फॉरेस्ट को सघन और संरक्षित करने को बनेगी योजना। निगम अधिकारियों को दिए निर्देश। बांधवगढ़ नेशनल पार्क में गिद्धों की गणना का काम शुरू। वनकर्मी 3 दिनों से घूम घूम कर कर रहे काउंटिंग। कम होती जनसंख्या के चलते गिद्धों को बचाने के हो रहे प्रयास। ये भी अभी तक की प्रमुख खबरें। अधिक खबरों के लिए लॉगिन करें www.etvbharat.com।